अच्छा मिशन, ठीक है मिशन, ये है चॉइस वाला 34 की चॉइस। देयर आर टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस, दो आइडेंटिकल सेम सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस साइड 7 सेंटीमीटर। फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब इज कूब्ड आउट। अगर आप, ये आपका क्यूब है, तो अगर मैं आपको उसका टॉप व्यू दिखाता हूँ, मतलब अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो वो ऐसे स्क्वायर जैसा होगा, मेरी बात समझ में आई। तो उसमें से हेमिस्फीयर निकालेंगे जिसका डायमीटर जो है ऐसे निकलेगा। अनु जी देख पा रहे हैं, ये आप ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, ये आपने स्कूप कर लिया। फिर क्या किया, दिस हेमिस्फीयर इज इन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकेंड क्यूब सरफेस टू फॉर्म अ डोम। इसको रख दिया यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर टू फॉर्म अ डोम। अनु जी क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, रफली जो फिगर है वो ऐसी है कि ये आपने ऐसे स्कूप निकाल लिया, स्कूप निकाल ली और स्कूप को इसके ऊपर रख लिया, ऐसे करके इसके ऊपर रख दिया। निकालना कोई डाउट, दोनों क्यूब है आइडेंटिकल है, ईच साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर। क्या नुकसान, पहले वो आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टू न्यू सॉलिड फॉर्म। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म, तो जो नया सॉलिड बना उसकी 6 साइड्स होंगी, 6L2। ठीक है, 6L2 में से एक ये ऐसे करके आपने सर्कल निकाल दिया, नहीं समझ रहा है। बेसिकली अगर इसको आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा जी, आपने यहां ऊपर से देख रहे हैं तो ये यहां साइड में तो बचेगा ना, यहां साइड में बचेगा, तो ये आपने माइनस कर दिया। अब ये जो इसकी अंदर वाली सरफेस है वो भी तो क्रिएट हुई है, ये नई वाली सरफेस भी तो क्रिएट हुई है। 4πr² जो होता है वो टोटल स्फीयर का और आधे का 2πr² होगा, वो जो 2πr² है वो ये वाला 2πr² है, ये 2πr² है, नहीं समझ रहा। हाँ तो वो सरफेस ही नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ, ये तभी तो मैंने ड्रॉ किया। अगर मैं तेरे से पूछूं, ये देख जी 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 मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर आपके पास ये बोल है, हाँ हाँ ये आपके पास बोल है, ले लो भाई, अरे जी ये अगर आपके पास कप है एंड लेट अस से हेमिस्फेरिकल कप है, क्या देखो ऐसा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं तभी वो कप वाला एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि आप बॉडी जो है उसको समझ सकें। अगर ये कप है और लेट अस अज्यूम ये हेमिस्फेरिकल सूप बोल है, बोल है ऐसे मान लेता है, तो अगर मैं इसका टीएसए निकालूंगा तो यार ये बाहर वाली साइड एक टीएसए सरफेस एरिया है जो कि 2πr² के इक्वल है, बट इसके अंदर भी जहां वो व्हाइट कलर की आपकी लाइनिंग लगी होती है वो भी तो 2πr² होगा ना, नहीं समझ में। जो टोटल है वो 4πr² होगा, नहीं समझ में। अब हमारे केस में इशू क्या बन रहा है, इशू ये बन रहा है कि ये जो आपका, ये जो आपने बीच में कैविटी की है वो कैविटी का यार, वो कैविटी के ये अंदर भी तो नया सरफेस एरिया क्रिएट हो गया ना, नहीं समझ रहा मेरे साथ है यहां तक। इसलिए यार ये क्यूब का और क्यूब में से ये आपने सर्कल का माइनस कर दिया, बट ये जो है ये नया ये क्रिएट हो गया 2πr², तो ये है जो आपकी एग्जिस्टिंग C1 जिसमें से आपने स्कूप किया था उसका, यहाँ पे लॉजिक क्लियर है मैडम। फिर आपने ये दूसरा बनाया, ये सरफेस आपने बनाया, इसमें आपने क्या किया, फिर से आपने ये क्यूब है आपका 6L², इसमें से आपने ये जो सर्कल है ये माइनस कर दिया, प्लस ये जो सरफेस बना, ये जो सरफेस बना ये ऐड कर दिया जी 6L², ऐसा ना उसके 6 फेसेस है, 6 फेसेस है और हर जो फेस है उसका एरिया L² है, 6L² डाउट है।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, जो रेशियो है वन, डाउट दिया है यहां तक डाउट। तो रेशियो जो है वो आप दोनों की जो रेशियो निकालेंगे वो निकलेगी वन, यहां तक डाउट। सेकंड देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। अब जो वॉल्यूम्स बने हैं, जो न्यू जो बने हैं बॉडीज बनी है, उनका आपको क्या निकालना है, उनका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम रिलेटिवली सिंपल है, क्यों यार, इसमें इसके जो वॉल्यूम है वो है एल क्यू, एल क्यू में से आपने ये जो है ये निकाल दिया। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यू, पर भाई समझ आए, पर आर जो है वो एल बाई टू, क्या हो रहा है, तो ये 7 क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू, यहां समझ आ गया जी। जो ये आपका स्कूप बन रहा है, ये जो आपका स्कूप बन रहा है, इसका जो रेडियस है वो एल बाई टू है, ठीक बन रहा है, डाउट जी, करेक्ट। जब आप यहाँ ये साइड से देखेंगे तो इसकी ये जो डेप्थ है ये आधी है, नहीं जाना। फिर जो वी टू है, ये वाला जो बना, यहाँ ये जो बना, इसमें आपके पास क्यूब का वॉल्यूम है, और क्यूब के वॉल्यूम में आप 2/3 पाई आर क्यूब को ऐड कर देंगे, नहीं समझ में। इसकी रेशियो निकालते टाइम जान निकलेगी, बट जो भी करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी याद देखिए, आंसर